नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिमे। दोस्तों, अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो विगत कुछ दिनों से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, चर्चा चल रहा है और एक दूसरे को लेकर विवाद जारी है। और वो विवाद किसके बीच में, ये भी आप बखूबी जानते होंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे के कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने गलती से मनु महाराज के सामने और सारण के डीएम के सामने जब वार्तालाप हो रही थी तो उस टाइम उनके मुंह से निकल गया कि कोरोना लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया एंड हम लोग जो है वहां से जल्दी जल्दी भागे और हमारे प्रोड्यूसर साहब भाग गए और हमारा खुद का इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 60 लाख रुपीज जो है सारे अपने टेक्नीशियंस को, सारे स्टाफ मेंबर्स को, सारे क्रू मेंबर्स को और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे हम सबको लेकर आए थे। ये गलती से निकल गया। हालांकि जब उनको रियलाइज हुआ तो वो फेसबुक पर लाइव आकर ये सारी जानकारी शेयर की और उस जानकारी को शेयर करते हुए उन्होंने इस चीज के लिए एक्सक्यूज भी बोला और उस चीज के लिए माफी भी मांगी। लेकिन कुछ लोगों की ज्यादा ही जल रही थी शायद, और इस वजह से रितेश पांडे लाइव आए और छपरा वाली छल छपरे को गाना बजाते हुए वो उस चीज को फिर से लोगों के सामने रखे। अब सवाल ये उत्पन्न हुआ कि जब खेसारी लाल यादव ने इस बात के लिए माफी मांगी तो इस बात को बढ़ाना और इस बात को प्रचारित करना और उसे आप एक भोजपुरी के एक बहुत बड़े स्टार हो चुके हैं रितेश पांडे, मतलब एक फेमस चेहरा हो गए यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री में, ऐसी चीज हो जाए और इसके बावजूद भी अगर आप लाइव आते हैं तो लोग सुनते हैं और लोग सुनते हैं तो बुरा लगता है भैया कि माफी मांगने के बावजूद भी स्टिल यू आर डूइंग दिस वर्क, सो बेसिकली दिस इज द रॉन्ग थिंग एज अ स्टार। मुझे लगता है कि आप स्टार होने के नाते इस तरीके की बात बोलनी चाहिए और ऐसा मैं नहीं कहूंगा और ऐसा आपको भी सोचना चाहिए। तो इस तरीके का शुरू हुआ। उसके बाद से खेसारी लाल यादव का शायद इस बात का बुरा लगा कि भैया हमने माफी मांग ली, इसके बाद से कहां इस बात को बढ़ाया जा रहा है और खेसारी लाल यादव फिर से एक बार लाइव आ गए और लाइव आने के बाद लगातार ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसे चमचा चमची ये वो फलाना ढिकाना एक दूसरे का मतलब क्या बोले, ऐसे करके लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं और बिना मेहनत का चमचागिरी सोच के ये कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएं। तो वैसा खेसारी नहीं है, खेसारी मेहनत के बल पर काम करता है। अगर मेहनत करेगा तो हजारों प्रोड्यूसर मिल जाएंगे और अगर कलाकार मेहनत नहीं करता है तो प्रोड्यूसर भी पीछे हट जाएंगे, इस प्रकार की तमाम चीजें कही। इसके बाद यह मामला फिर बढ़ गया और स्पष्ट तरीके से पता चल गया कि यह मामला एक्सपोज किया जा रहा है, इस मामले को बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद से रितेश पांडे फिर लाइव आए। रितेश पांडे लाइव आए तो उन्होंने संविधान का और अखिलेश कश्यप को लेकर भी कई सारी बातें बोली, जो पब्लिकली नंबर शेयर थी उसको लेकर बातें बोली और संविधान की बातें करने लगे। तो संविधान की बात करने लगे तो अच्छी बात है, संविधान आई थिंक यू मस्ट नो अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये जानना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या तुल मची थी भैया आपको आने की लाइव, मतलब आप एक बड़े स्टार हैं, खेसारी लाल यादव से डायरेक्ट संपर्क होगा, आप कोऑर्डिनेट कर सकते थे, फोन कॉल कर सकते थे। संविधान का मतलब ये थोड़ा हुआ कि हम आगे किसी के बारे में बोले, तो वो मैं बोल रहा हूँ किसान के बारे में आप कहें नहीं बोलते हैं, मोदी जी इतना बेकार काम करते हैं, मोदी जी इतना खराब काम किए हैं जो कि मैं आपको गिनाऊं तो संविधान समझ में आ जाए, कहें नहीं उसके बारे में बोलते हैं। और हर चीज के लिए संविधान भैया, संविधान का नियम होता है, संविधान हर चीज के लिए अप्लाई होता है। अगर आप संविधान को फॉलो करते हैं तो संविधान के लिए कोई खेसारी लाल यादव और एक बात को लेकर संविधान नहीं होता है, हर चीज के लिए संविधान होता है। हर चीज के बारे में आप बोलना चाहते हो बोलिए खुल के, हर राजनीति के बारे में बोलिए, पॉलिटिक्स के बारे में बोलिए, तब हमें पता चलेगा कि आप संविधान को समझते हैं और संविधान को जानते हैं। लेकिन नहीं, तूल मची थी खेसारी भैया को नीचे करने के लिए और इस प्रकार की चीजें हुई। खैर छोड़िए, जो भी हुआ ये एक कॉन्ट्रोवर्सी है और मैं नहीं कहूंगा कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन अगर ये चीजें पब्लिकली आ जाती है और इस चीज को लेकर टारगेट किया जाता है तो गलत सही का अंदाजा लगाना ये ऑडियंस पर छोड़ दिया जाता है। खैर जो भी है, आज बहुत खुशखबरी है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और खुशखबरी ये है कि जब ये विवाद हुआ था पवन सिंह और रितेश पांडे की तस्वीरें शेयर हुई थी, जिसपे पवन सिंह ने छोटा भाई करके शेयर किया था, उस तस्वीर को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, काफी ज्यादा लाइक भी आए थे उस पर। इसके बाद से आज जो है, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि पवन सिंह और रितेश पांडे के साथ नजर आ रहे हैं और नजर जब आ रहे हैं तो एक फिल्म को लेकर, एक फिल्म की मुहूर्त हुई थी और इस फिल्म का नाम था साइको सैया। तो ये जोड़ी अब जो है एक साथ नजर आएगी और ये जोड़ी एक दूसरे को धमाल मचाने में काफी ज्यादा लकी भी साबित होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जोड़ी जब एक साथ आती है तो कौन सा कमाल कर पाती है या फिर बस जोड़ी बनकर रह जाती है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल हो रहे हैं कि इस विवादों के बीच पवन सिंह ने रितेश पांडे के फोटो को शेयर किया, ऊपर से रितेश पांडे
के साथ नजर आ रहे हैं और खेसारी लाल यादव के समर्थन में कोई बात नहीं बोली, उनकी फिल्में रिलीज हुई और इस प्रकार की कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन एक बात भी पवन सिंह ने नहीं बोला। तो लोगों के जहन में यही एक सवाल आ रहा है कि आखिरकार इस रिश्ते का क्या नाम दो, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, बाकी क्या कहलाता है आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए कि भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस प्रकार के कंट्रोवर्सी विवाद क्रिएट कर कर एक साथ नजर आना और अपने आप को एक बड़े स्टार के रूप में स्टारडम देना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। खेसारी फैंस अगर आप जिसको देख रहे हैं तो इस तस्वीरों को देखकर बताइए कि भैया इस रिश्ता को क्या कहते हैं, या फिर कह लें तो यह रिश्ता क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। बाकी जानकारी पसंद आ गई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।